जय श्री राम दोस्तों, वेलकम फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम बनाएंगे स्वास्तिक के आकार की मदद से प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुंदर सा प्यारा सा ड्राइंग। देखिए इस तरह से स्वास्तिक निकाल लेंगे और यहाँ से जो स्वास्तिक की ये वाली डंडी है उसी में से हम उनका एक हाथ बनाएंगे कुछ इस तरह से। प्रभु श्री राम जी एक योद्धा भी है तो इनके हाथों में हम एक धनुष्य बाण तीर कमान दिखाएंगे। देखिए उनका हाथ इस तरह से हम ड्रा करेंगे और इस हाथ में हम बनाएंगे धनुष्य बाण तीर कमान। देखिए दुश्मनों की ओर ये धनुष्य बाण तीर कमान से तीर छोड़ रहे हैं, इस तरह से ड्राइंग है। देखिए इस तरह से धनुष्य बाण की जो डंडी है वो बन गई और यहीं से तीर कमान की जो कमान है वो हम बनाएंगे। इसी को डबल लाइन करेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा बन गया तीर कमान का, ये नीचे वाली तीर कमान का हिस्सा बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सा ही तरीका है, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि ये ड्राइंग आप स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा। देखिए इस तरह से धनुष्य बाण हो गया। अब ये जो डंडी है स्वस्तिक की, इसी में से जो कंटेनर होता है धनुष्य बाण के लिए, तीर कमान के लिए, तीर वगैरह रखने के लिए, ये योद्धाओं के पास होता है, उनकी पीठ पर इस तरह से लगा होता है। इसमें बहुत सारे तीर वगैरह होते हैं। देखिए कुछ इस तरह से उस पर भी डिज़ाइन हम बना सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। अब इसमें हमें कुछ तीर भी दिखाने हैं। देखिए कितने आसानी से तीर हम ड्रॉ करेंगे, कुछ नहीं, ऊपर और नीचे हमें जिगजैग लाइंस इस तरह से ड्रॉ करनी है और इनको जोड़ना है। देखिए तीर बन गए। अब यहीं से हम प्रभु श्री राम जी की पीठ बनाएंगे इस तरह से, यहाँ कमर तक। देखिए कितनी आसानी से बन गई। अब देखिएगा यहाँ से हम उनका पेट वगैरह इस तरह से ड्रॉ करेंगे, बॉडी वगैरह, और बिल्कुल यहाँ पर उनका उस साइड वाला जो हाथ है जिस हाथ से वो तीर कमान का जो तीर है वो खींच रहे हैं वो बनाएंगे। थोड़ा सा हमें दिखेगा आगे से और पीछे से। देखिए कितनी आसानी से इस हाथ में हमें इस तरह से तीर दिखाना है। हाथ की वजह से हमें नहीं दिखेगा, आधा आधा हमें दिखेगा। तो इस तरह से वो तीर बनेगा जो कमान पर लगा है और यहाँ से जो धनुष्य बाण की तीर कमान की जो रस्सी होती है वो हम बनाएंगे। बहुत ही सिंपल सा ये तरीका है, स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, आपका भी ड्राइंग सुंदर बनेगा। देखिए बहुत ही शांति से आराम से ड्राइंग आपको बनाना है। देखिए यहाँ से उनके हम पैर बनाएंगे, स्वास्तिक का जो नीचे वाला हिस्सा है उसी में से हम उनके दोनों पैर बनाएंगे। एक पैर ऐसे ज़मीन पर रखा है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है पीछे से। देखिए इस पोजीशन में हमें ये पैर ड्रॉ करना है और स्वास्तिक के इस वाले भाग में प्रभु जी का लेफ्ट वाला जो पैर है वो हम बनाएंगे। इस तरह से धोती बन जाएगी, यहाँ तक लेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा। उस पर कुछ सिलवट इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये पैर सीधा ज़मीन पर रखा है कुछ इस तरह से। इस पैर में भी हम कड़ा वगैरह दिखाएंगे। देखिए कितने आसानी से बन गया। अब हम बनाएंगे प्रभु श्री रामचंद्र जी का चेहरा। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर कान बनेगा, कानों में कुंडल वगैरह, और यहाँ से उनके हम पहले बाल बनाएंगे ताकि हमें चेहरे का अंदाज़ा आ सके। कुछ इस तरह से थोड़े से बड़े हम बाल दिखाएंगे बिल्कुल योद्धा की तरह। देखिए इस तरह से ऊपर इस तरह से फूलों की एक माला और एक जोड़ा भी है। देखिए इस तरह से बालों को हम काला कर लेंगे, बाद में सुंदर तरीके से हम इसे कलर भी करेंगे। और चेहरे में आँखें, मुंह, नाक वगैरह हम छोटे पॉइंट वाले पेन से या मार्कर से पूरा करेंगे बाद में। देखिए इस तरह से उनके बाल बन गए सुंदर से। अब जो प्रभु की पीठ पर एक कंटेनर है तीर कमान रखने के लिए, उसकी रस्सी हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। देखिए कितनी आसानी से अब छोटे पॉइंट वाला पेन या मार्कर लेकर उनका चेहरा हम पूरा करेंगे बिल्कुल शांति से। प्रभु जी का नाम लेकर आपको उनका चेहरा ड्रॉ करना है, बहुत ही सुंदर सा ये चेहरा बनना चाहिए। देखिए कितने आसानी से उनका चेहरा बन गया, ये उनका तिलक, ये आईब्रोज, ये उनकी आँखें, बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए अब जो छोटे मोटे करेक्शंस रह गए हैं वो पूरे करेंगे। अब इस ड्राइंग को हम सुंदर तरीके से कलर करेंगे। आप भी शांति से आराम से इस ड्राइंग को बनाइएगा, आप भी इस ड्राइंग को बनाकर कृपा पाइएगा और अपने दोस्तों के साथ इस ड्राइंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कृपा पा सके। अगर आप नए हैं तो हमारे ड्राइंग टीचर सूरज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली हमारी मुलाकात हो सके। इस ड्राइंग को ज़रूर बनाइएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम। जल्दी ही फिर से मिलते हैं।